नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोगों को सेठसोता चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक थाल पोच डिजाइन लेकर के आई हूँ। मैं बहुत ही प्यारा लगता है फ्रेंड्स, और बहुत ही जल्दी बन के तैयार भी हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे थे, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। चलिए फ्रेंड्स, तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले नोट लगा करके चेन बनाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये 15 चेन हो गया फ्रेंड्स। और इसको पहला वाला चेन में डाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। दो, तीन, इसी तरह से फ्रेंड्स सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरे में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक बना के दिखाते हैं फ्रेंड्स, इससे लास्ट में एक चेन बच गया फ्रेंड्स। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर 1, 2 चेन लेंगे और इस साइड में इसको डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट चेन में भी इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना देंगे। साथ में इस धागे को भी सेट करते हुए जाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स 1 और 2 चेन बच गया है। 2 चेन को छोड़ देंगे। यहाँ पर 1 चेन ले लेंगे। ये जो पहला वाला चेन है इसमें डालते हुए बैक साइड से ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सारे में बैक साइड से ही सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे जो 2 चेन बनाए थे फ्रेंड्स, 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना करके 2 चेन ले लेंगे फिर से, और दूसरा चेन में एक सिंगल क्रोशिया और बना देंगे। फिर बैक साइड से करते हुए इस तरह से इधर साइड से फिर ये 2 चेन बच गया है, इसको छोड़ देंगे और यहीं से एक चेन लेते हुए इसको घुमा देंगे। पहला वाला चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे।
यहाँ तक आ गए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो दो चेन लिए थे उसमें एक चेन में सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर यहाँ पर दो चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ पे दो चेन बच गया, दो चेन को छोड़ देंगे, एक चेन लेकर के यहीं से घूम जाएंगे। फिर यहाँ पर दो चेन ले लेंगे और नेक्स्ट में डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना देंगे। दो यहाँ पर भी चेन बच गया फ्रेंड्स, यहीं से इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेते हुए यहीं से घूम जाएंगे। तो यहाँ पर एक एक दो बन गया, दो इधर भी बन गया। दो और बना करके इसी तरह से फ्रेंड्स दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इधर भी चार पत्ती बन गया, एक बीच वाला, एक दो तीन चार, और इसको इस तरह से अभी इस साइड भी चार बनाएंगे, एक दो तीन है चार बनाएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स सिंगल क्रोशिया करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। ये दो चेन यहाँ पर बच गया फ्रेंड्स, फिर यहीं पर चेन बना करके अब यहीं पर इसको बंद करना है फ्रेंड्स। तो इधर भी चूंकि इधर चेन जैसे गया है, इधर भी यह चेन आ जाए क्योंकि इधर जैसे गया है, तो इसके लिए फ्रेंड्स स्लिप स्टिच करेंगे। एक चेन लेकर के इसमें स्लिप स्टिच करते हुए नीचे की ओर लेके आएंगे। आकर के कट कर देंगे प्रेस, एक चेन लेकर के इसको कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से तैयार हो गया है इसी का। इसको इसी तरह से रखेंगे और एक दूसरा पत्ती इस तरह से बना करके तैयार कर लिए, दूसरे कलर में है फ्रेंड्स, दो कलर में बहुत सुंदर लगता है। तो इसको इस तरह से इधर साइड से यहाँ पर
एक चने एप्पल ले लेंगे, इसमें डालते हुए एक चने यहाँ बना देंगे और यहीं पर फ्रेंड्स स्लिप स्टिच करते हुए इसको कंटिन्यू करेंगे। दो कलर में ये पत्ती तैयार हुई फ्रेंड्स, देखिए कितना सुंदर लग रहा है अभी से ही। इसके बाद इसका फ्लावर बनाएंगे। इसी तरह से ढेर सारा बना करके तैयार करके रखे हैं फ्रेंड्स, तो सब ज्वाइंट करते हुए तो आगे फ्लावर बनाते हैं। अब इसके लिए फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले नॉट लगा करके 1, 2, 3, 4, 5 चेन बना लेंगे। इसको पहला वाला चेन से स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद 1, 2, 3 चेन बनाएंगे और इसके बीच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को काउंट करेंगे फ्रेंड्स, 3 डबल क्रोशिया हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इसी तरह से फ्रेंड इसमें 24 डबल क्रोशिया बना लेंगे। बना के दिखाते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड्स 24 डबल क्रोशिया इसमें बना के कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद 1, 2, 3 वाला चेन से इसको स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे फ्रेंड्स। फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4 चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे। एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर से एक चेन का गैप देके फ्रेंड्स हर चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इस तरह से बना के दिखाते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड्स यह राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ एक चेन लिए थे, तो ये 3rd वाला चेन में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। बस यहाँ भी एक चेन ले लेंगे और 3rd वाला चेन से इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे। फिर अब यहाँ पर 1, 2, 3 चेन लेंगे और इसके बीच में एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ पर 1, 2, 3 चेन लेंगे और इसके बीच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह 8 डबल क्रोशिया हो गए फ्रेंड्स। चेन को काउंट करेंगे तो और इसके बाद नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया के बीच में इसको सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देंगे। फिर यहाँ पर 1, 2, 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर 1, 2, 3 चेन लेंगे और इसके बीच में 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गए फ्रेंड्स। चेन को काउंट करेंगे तो
1 2 3 4 5 6 7 8 ज़्यादा हो गया फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वाला में इसमें डाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर इसी तरह से ये पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। करके दिखाते हैं, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यह पूरा राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद और डबल क्रोशिया बना करके फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट हम इसमें सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट कर देंगे। और इसके बाद इस तरह से डालते हुए फ्रेंड्स इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और इसके बीच से डालते हुए इस तरह से इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर 5 चेन लेंगे, 3 4 5 और इसके बीच से इस तरह से डालते हुए इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यह बहुत ही प्यारा डिजाइन बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। देखिए आगे कंटिन्यू करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से यह राउंड कंप्लीट हो गया। 5 चेन ले लिए फ्रेंड्स। इसके बाद इसमें डालते हुए इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पर 1 चेन लेंगे फ्रेंड्स और इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 हो गया, 2 3 4 या 5 डबल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे और इसी में डालते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फ्रेंड्स 1 2 चेन लेंगे और इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो कुछ इस तरह से तैयार हो गए फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट में इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे। फिर यहाँ 1 चेन लेंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, 3 चेन और सेम में सेम गैप में 5 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन लेकर के सेम इसी में गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो यह इस तरह से बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। दिखाते हैं फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट गैप में 1 चेन लेकर के अब फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से यह बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यह पूरा राउंड कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से करते हुए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसको लॉक कर देंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे फ्रेंड्स और इसके बीच में डालते हुए इसको सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देंगे।
फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेन लेंगे और इसके बीच में लॉक कर देंगे फ्रेंड्स। इसी तरह से यह पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इसके ऊपर में येलो कलर से यहाँ पे लगाएंगे, नॉट लगा लेते फिर यहाँ पर डालेंगे और इसको लॉक कर देंगे। यहाँ पर 1, 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाला जो फिक्स है इसमें डालते हुए डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। यहाँ पर 1, 2, 3 चेन लेंगे और इसके बीच में डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद ये छोड़ करके एक वाला छोड़ करके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया से इसको लॉक कर देंगे। यहाँ पर 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन लेंगे और सेम इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2, 3 चेन को काउंट करेंगे तो 4 हो गया फ्रेंड्स। 5, 6, 7, 8 हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद इसको छोड़ करके इसमें डालते हुए सिंगल क्रोशिया से इसको लॉक कर देंगे। इसी तरह से ये पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिर करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यह कंप्लीट हो गया और यहाँ पर 1 चेन ले करके इसको कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यह राउंड कंप्लीट हो गया और इसके बाद यहाँ पर इसी में सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट कर देंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पर 2 चेन लेंगे और इसमें सेम गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पर चेन नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यह 2, 1 हो गया, 2, 3 डबल क्रोशिया हो गए फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2, 2 करके इस तरह से निकालेंगे, 2, 3 हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर। और इसके बाद 1 चेन लेंगे और ये जो पत्ती बना करके रखे थे फ्रेंड्स इस तरह से यह तैयार करके रखे फ्रेंड्स, इसी में इसको ज्वाइंट कर देंगे। इसके लिए यहाँ पर इसमें डालेंगे इस तरह से खींचते हुए 1 चेन ले लेंगे और इसी में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे।
वो भी अपन थ्री हो गया और डबल क्रोशिया बना देंगे, एक दो तीन, यहाँ पर दो चेन लेंगे, ऐसे में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया बना देंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन डबल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया, एक दो तीन हो गए फ्रेंड्स। एक चेन ले लेंगे और फिर नेक्स्ट पत्ते में इसको ज्वाइंट कर देंगे फ्रेंड्स। इसको एक चेन लेते हुए लॉक कर देंगे, यहाँ पर फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। थ्री हो गया और डबल क्रोशिया, टू चेन और सेम में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से फ्रेंड्स पूरे को कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यह ज्वाइंट हो गया यह सारा लिप इसके साथ। फ्रेंड्स देखिए कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पे इसको इस धागे को कट कर देंगे, काटने के बाद दिखाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से इस धागे को ज्वाइंट करेंगे और यहाँ पर इसको करने के बाद फ्रेंड्स इसमें सिंगल इसमें चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव चेन बनाएंगे और इसके नेक्स्ट वाला पत्ते में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव पत्ते बनाएंगे। फिर यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर देंगे, टू थ्री फोर फाइव पत्ते बनाएंगे और नेक्स्ट यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव पत्ते बनाएंगे और नेक्स्ट यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे, टू थ्री फोर फाइव चेन लेकर के नेक्स्ट पत्ते में टू थ्री फोर फाइव चेन लेकर के इसी तरह से फ्रेंड्स यह राउंड को कंप्लीट करेंगे। टू थ्री फोर फाइव चेन लेकर के नेक्स्ट यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। फिर यहाँ पर टू थ्री फोर फाइव चेन लेकर के एक इसमें भी इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। फिर टू थ्री फोर फाइव चेन लेकर के इसमें ज्वाइंट करेंगे। इसी तरह से ये पूरे राउंड को ज्वाइंट करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स एक राउंड कंप्लीट करने के बाद यह दूसरा राउंड भी इसी तरह से सिंगल क्रोशिया से छः छः चेन लेकर के, दो तीन चार पाँच छः चेन लेकर के इस तरह से कंप्लीट कर दिए हैं फ्रेंड्स। इस तरह से इसका किनारा भी बनकर तैयार हो गया। आप चाहे तो इसे तीन लाइन या चार लाइन बना ले सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। अगर ये डिज़ाइन पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा डिज़ाइन आपको कैसा लगा। थैंक यू।